365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं? विचारों का असर जीवन पर कितना होता है? Which thoughts manifest in reality? Understand the effect of thoughts on our life. एक उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि आप टेंट में बैठे हो, टेंट होता है तंबू, टेंट में बैठे हो और तूफान लगता है, टेंट की छत उड़ जाती है, तो कैसी फीलिंग आएगी? दुख आएगा, अरे मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे टेंट की छत उड़ गई। मगर आपको कहा जाता है जब ऐसे छत उड़ जाए तो हैप्पी हैट को उड़ने मत दो, उसको तुरंत पकड़ लो, सिर को तुरंत पकड़ लो, यानी सिर पर रखी हुई हैप्पी हैट को उतरने मत दो। चलो छत तो उड़ गई, उसको हम रोक नहीं पाए, मगर हैप्पी हैट को रोक सकते हैं क्या? उसको रोक दिया तो आप देखोगे कि छत की जगह पर आगे कंक्रीट की छत आ जाएगी, टेरेस पर आप वॉक करोगे, आपकी जो नई संभावना है वो खुल जाएगी। हैप्पी हेड को तुरंत पकड़ना है, इसको उतरने नहीं देना है, नहीं तो मन में विचार आएगा, अरे मैंने तो टेंट का रेंट दिया था, वो रेंट मेरा बेकार गया। लोग ऐसी कुछ सोचना शुरू करते हैं, फीलिंग और नेगेटिव 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 होने लगती है। हैप्पी हेड, अपनी हैप्पीनेस को कम नहीं करेंगे तो ये करना मन को लॉजिकल नहीं लगता उस वक्त कि मेरे साथ बुरी घटना हो रही है और मैं कैसे खुश रहूं। मगर दुख में खुश कैसे और क्यों रहे, ये रहस्य समझना है। जीवन में चीजें हमारे विचारों के आधार पर कैसे प्रकट होती हैं और क्या हर विचार हकीकत में बदलता है, इस रहस्य को दूसरे विचार सूत्र में समझेंगे। दूसरे विचार सूत्र के अनुसार जोश होश एक दिशा में, जोश में खुशी की फीलिंग है, होश में ज्ञान है, तो आप देखोगे ये चीजें बड़े आसानी से आएंगी। होश है यानी यकीन है, आपको यकीन है, और आपकी फीलिंग बताती है खुशी, हैप्पी। जीवन में दुख भी आया है उस वक्त भी अगर आप अपनी हैप्पी फीलिंग को रख पाए तो आप देखोगे समाधान आपकी तरफ जल्दी आएगा। होता क्या है, कुछ बुरा हुआ तुरंत हमारी फीलिंग बदल जाती है, बुरी फीलिंग को हम बार बार दोहराते मन में। मगर उस वक्त अगर आप खुद को याद रखें कि अपनी हैप्पी हैट उतरने मत दो, हैप्पी हैट, तो कुदरत आपको कुछ दे रही है परोसकर। आप सीख रहे हैं एक एक विचार सूत्र, आप सीख रहे हैं एक एक सबक, आप सीख रहे हैं एक एक हीरा, आप हीरे लेते जाओ। सामने वाले ने ऐसे क्यों किया उसमें अटको मत, वो तो केवल निमित्त है और आपका शरीर खुद निमित्त है आपको अपना अनुभव करवाने के लिए। ये सब बातें आपको अंदर तक सीख लेनी है, जिसके लिए आपको एक एक विचार सूत्र का अर्थ बताया जा रहा है। हैप्पी हेड को उतरने मत दो, विचार सूत्र दो के अनुसार जोश और होश एक दिशा में, तो हकीकत का रूप मिलना बहुत आसान होता है। आइए अब जानें कि डबल टॉस यानी परस्पर विरुद्ध प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कैसे कार्य करती हैं। कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं? सारे विचार नहीं, क्योंकि दिन भर में कई विचार चलते रहते हैं। शकचिल्ली के विचार हकीकत में नहीं बदलते, शकचिल्ली विचार हकीकत में नहीं बदलते, वेकफुली विचार हकीकत में बदलते हैं। वेकफुली यानी होश में किए गए विचार, शकचिल्ली की तरह पर्सन विचार करता रहता है, ये चाहिए ऐसा सोचते रहता है, फिर कभी ऐसा कभी कैसा, अपने ही विचारों के विरुद्ध वो सोचते रहता है, जिसको डबल टॉस कहा गया।
कभी ऐसा सोचता है कभी ऐसा सोचता है, तो रिजल्ट कोई नहीं आती। जिनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रही है उनको इस पर मनन करना है कि मेरे विचार कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक पर्सन सोच रहा है घर में शांति हो, तो कितना सुंदर विचार है, विचार की रिजल्ट भी आएगी, मगर दूसरे दिन उसके अंदर क्या विचार है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, ये मेरी सास, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है। अभी उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने ही विचार को काट डाला। तो कई चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही, आप विचार रखते हैं उसके बावजूद भी। तो अपने आप से पूछना है कहां पर मैं अपने ही विचारों को काटता हूं। अगर वो पर्सन नहीं सुधर रहा है और आपने उसका रिपीट ऑर्डर दे दिया है तो घर में शांति कैसे आएगी? आप ये भी चाहते हो, ये भी चाहते हो। देखो, कुदरत ये नहीं कहती है कि पर्सन ने कहा ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, कुदरत कहती तथास्तु, यानी अपने कहे मुताबिक देखोगे। मुझे घर में शांति चाहिए, तथास्तु, मगर एक पल ये एक पल ये, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर वो पर्सन क्या देखता है, दुख दर्द, कभी खुशी कभी गम, घर में चलते रहता है, कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी, ऐसा भी माहौल आ सकता था, मगर उसने अपने ही विचारों में गलत बीज डाल दिया और उस गलत बीज ने फल लाया। तो आपको ये ख्याल रखना है। तो जो आप चाहते हो सब मिल सकता है, नियम का अगर सही पालन किया गया, और इस बात की समझ कि जो दूसरे है वो दूसरे नहीं है, लिविंग फॉर अदर्स बिकॉज देर इज़ नो अदर, दूसरा कोई है ही नहीं, ये समझ के साथ फिर आपके विचार अलग ढंग के हो जाते, तो सिर्फ हैप्पीनेस ही आपके जीवन में आती है। और फिर आप शेख चिली के विचार बंद कर देते हैं। किसी महापुरुष से पूछा गया था कि हम जो सपने देखते पूरे होते हैं क्या, उसने कहा कि जो सपने हम सोते हुए देखते हैं वो पूरे नहीं होते, वे सपने पूरे होते हैं जो सोने नहीं देते। वे सपने पूरे होते हैं जो सोने नहीं देते, यानी कि जिन विचारों में भावना का बल आया है कि हम जीवन चाहते इस तरह हो, पृथ्वी पर इस तरह का जीवन जीकर जाएं, तो ऐसा विचार रखने वाला, उसे कैसे विचार आएंगे? ऐसी इच्छा रखने वाला, तो उस महापुरुष ने जो कहा वो प्रेरणा देने के लिए, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो उस वजह से आप सो ही नहीं पाओगे रात भर। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको नींद ही नहीं आई क्योंकि इतनी आइडियाज़ आ रही है, अचानक इतनी आइडियाज़ आ गई, क्योंकि जो चीज़ अभी प्रकट होने जा रही है ना, तो उसका बल बढ़ जाता है। तो कुछ दिनों पर देखा आपको नींद ही नहीं आई कि वो चीज़ प्रकट होना चाहती है, जिस पर सालों से आपने बीज डाला, अब वो प्रकट होने जा रही है। तो इस तरह आप देखोगे कि जो विचार आप रख रहे हो वे हकीकत में बदल चुके, आप तक पहुंचने में डिले हो रहे, रुक रहे हैं, क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सब अदृश्य में है। अदृश्य में इसलिए लोग बल देना बंद कर देते, शुभ इच्छा को बल देना बंद कर देते। कब ने शुभ विचार रखे मगर फिर भी कुछ तो दिखावटी सत्य में दिख रहा, कुछ गलत हो रहा है, तो विश्वास चला जाता है और लोग बल देना बंद कर देते, प्रार्थनाओं को रिपीट करना बंद कर देते, मनन के द्वारा भावना को जागृत करना बंद कर देते, तो वो चीज़ रुक जाती है जो आ रही थी आपके पास, निर्माण हो चुका, प्रकट होने जा रही थी, फल टपकने जा रहा था, मगर फल नहीं आता, रुका रहता है। तो ये गलतियां हो सकती है, इसलिए आपको सजग किया जा रहा है। आइए कुछ क्षण विचार मंथन करें कि हमारी जो भी चाहते पूरी नहीं हो रही है, वहां पर हमारे कौन कौन से विचार एक दूसरे को काटते हैं। आइए
विचारों के इस सिद्धांत पर मनन करते हुए इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। आंख बंद करके ही सुने, देखें अपने अंदर जीवन के सबक, विचार सूत्र। विचार सूत्र 2 के अनुसार जो विचार आप होश और जोश के साथ एक दिशा में करते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। जिन विचारों में होश जोश और एक दिशा है वे हकीकत में बदलते हैं। जोश यानी उत्साह, जिसमें यकीन है आपको आज क्या यकीन है, आज आपका होश कितना बड़ा है, क्या आपको यकीन है कि आपका जीवन उच्चतम अवस्था पर जाएगा, प्रेम आनंद मौन की उच्चतम अभिव्यक्ति करेगा। आप क्या यह फील कर रहे हो, क्या महसूस हो रहा है कि यह संभव है? सभी आंख खुलेंगे। इस संदेश द्वारा हमने समझा कि विचार सूत्र 2 के अनुसार जब भी यकीन है और फीलिंग खुशी की है तो समाधान जल्दी आता है। किसी भी परिस्थिति में हमें हैप्पी हैट नहीं उतारनी है, क्योंकि हैप्पी हैट आपकी नई संभावनाएं खोलती है। हैप्पी फीलिंग लाने के लिए हमें जो ज्ञान मिला है उसे याद करना है। खुशी की फीलिंग की समझ को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन क्षेत्र में देखें कि कौन सी घटनाओं में हम हैप्पी हैट उतारते हैं। मनन करें कि आज हमारा होश या यकीन कितना बढ़ा है और हैप्पी हैट हमेशा हमारे साथ रहे इसके लिए हम क्या करें। विचार नियम के 7 सूत्र, द 7 लॉज ऑफ थॉट। इस संदेश के अगले भाग में हम सुनेंगे तीसरा विचार सूत्र, जिसमें हम कुदरत के एक सुनहरे नियम को समझते हुए जानेंगे कि हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।